हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग जानेंगे विज्ञान किट में जो वस्तुएं हमें मिली हुई हैं प्रयोग के लिए, उसमें एक है सामान्य वस्तुएं श्रेणी बा। दरअसल इसमें एक से लेकर 51 तक में जो विशेष वस्तुएं थी जिनका प्रयोग में यूज करना है, और उसके कुछ सहायक वस्तुएं हैं, छोटी वस्तुएं हैं, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इनके माध्यम से कई सारे टॉपिक जो विज्ञान के हैं वो आसानी से समझाए जा सकते हैं। जैसे सबसे पहला है रबर के छल्ले। आप यहाँ पे देखेंगे एक पॉलीथीन में ढेर सारे कलर्ड रबर के छल्ले दिए गए हैं यहाँ पे। इनका इस्तेमाल हम लोग कई जगह पर कर सकते हैं। जैसे गुब्बारे को फुला करके अगर मान लीजिए हमको डायफ्राम वाला और फेफड़े वाला संरचना बनाना होता है तो उसमें गुब्बारों का इस्तेमाल कर लेते हैं और रिबन का इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर इसके बाद गुब्बारे हैं, गुब्बारे भी आपको यहाँ पन्नी में काफी संख्या में अलग अलग कलर के मिल जाएंगे। फिर इसके बाद है सूती धागा। जब आपको दोलन पढ़ाना होगा तो दोलन पढ़ाने के लिए आपको धागे की जरूरत पड़ेगी। मैंने वो धागा उसमें से निकाल करके सेटअप पहले से ही बना रखा है। ये लोलक है तो धागा इसमें इस्तेमाल में लाया जाता है। तो धागा जो है हमको मिला हुआ है पूरा ढेर सारा यहाँ पे ये। फिर इसके बाद है मोमबत्ती। मोमबत्ती यहाँ पर हमको दी गई है और किसी भी केमिकल को गर्म करने के लिए इनकी संख्या दो है, मोमबत्तियां दी गई हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद है रबर चूसक। रबर चूसक जो है इस तरीके का आपको मिलेगा, रबर का दो की संख्या में है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। इसका इस्तेमाल किया जाता है वायुदाब को समझाने के लिए, वायुमंडलीय दाब को समझाने के लिए। किसी भी समतल सतह पर जब हम इसको प्रेस करके चिपकाएंगे और इसकी जो है एयर अगर निकल जाती है अंदर की एयर, तो जो वायुमंडल की एयर है वो इस पर ऊपर से दाब लगाती है और ये इस तरीके से इसके वायुमंडलीय दाब को आप देख सकते हैं। रबर चूसक का यही काम होता है। अब इसके बाद रबर चूसक के बाद है चिमटी। चिमटी यहां पर दी गई है। दो की संख्या में चिमटी दी हुई है। किसी भी केमिकल को हमको पकड़ना होगा तो हम इसकी सहायता से पकड़ेंगे, हाथ से उसको नहीं पकड़ेंगे। फिर इसके बाद चिमटी के बाद है लोहे की कीलें। और लोहे की कीलें हमको दी गई हैं, कुछ बड़ी कीलें हैं और कुछ छोटी कीलें। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं अभी ये लोहे की बड़ी कीलें हैं यहाँ पे, फिर इसके बाद छोटी कीलें भी हैं यहाँ पर। जब हम मैग्नेट वाली चीज पढ़ाएं तो उसमें भी इसका यूज कर सकते हैं, धारावाही प्रणालिका बनानी हो तब भी यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद है परख नली ब्रश। कुछ इस तरीके का ब्रश होता है, परख नली को आप ऐसे उठाएंगे, इसके अंदर डालेंगे, घुमा घुमा के इसको साफ कर लेंगे पानी से। तो ये हो गई परख नली ब्रश। इसके बाद है परख नली होल्डर या टेस्ट ट्यूब होल्डर। टेस्ट ट्यूब होल्डर हाँ ये रहा, ये है इस तरीके का, ये आगे पीछे हो सकता है। टेस्ट ट्यूब को यहां पर फंसाना है ऐसे बीच में, जहां पर इसकी ये गर्दन है गोल वाली, यहां पे लाना है और इसको आगे बढ़ा देना है। जो टेस्ट ट्यूब मिली हुई है वो बहुत ज्यादा पतली है, इससे बड़ी टेस्ट ट्यूब हमारे पास रखी है उसमें ये काम कर जाएगी। तो कुल मिला के टेस्ट ट्यूब को ऐसे लगा के ऐसे फंसा दिया जाता है तो परमानेंटली ये टेस्ट ट्यूब को पकड़ के रखता है। फिर इसके बाद है पॉलिस्टर कपड़ा। जब आप सिंथेटिक फाइबर पढ़ाएंगे रेशे से वस्त्र तक, तो सिर्फ पॉलिस्टर कपड़ा ही नहीं दिया गया है इस पे। यहाँ पे ये देख रहे हैं ये पॉलिस्टर कपड़ा है, सूती कपड़ा भी है इसमें और ऊनी कपड़ा भी है। तो रेशे से वस्त्र तक वाले चैप्टर में इसका यूज किया जा सकता है। फिर इसके बाद ऊनी कपड़ा यहाँ पे दिया है, मैंने बता ही दिया है। फिर थर्माकोल सीट दी गई है यहाँ पर, इतनी छोटी सी थर्माकोल सीट दी गई है। फिर है प्लास्टिक स्ट्रिप, जिसके एक तरफ ऊनी कपड़ा लपेटा हो, मतलब हो इस तरीके की प्लास्टिक स्ट्रिप है। इसके एक तरफ कपड़ा तो नहीं, कागज जो है चिपकाया गया है। और पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी चीजों को दिखाने के लिए प्रकाश में इसका इस्तेमाल करेंगे। फिर इसके बाद है
चमकीला कांच सीट कुछ इस तरीके का है, और ये टोटली पारदर्शी नहीं है, पारभासी है, ये इसमें आर पार पूरा नहीं दिख सकता है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समतल दर्पण स्ट्रिप। यहां पर तीन की संख्या में समतल दर्पण स्ट्रिप दी गई हैं, और इनकी सहायता से क्लाइडोस्कोप तैयार करने में मदद मिलेगी। कैसे होगा क्लाइडोस्कोप वाला एक्सपेरिमेंट वो हम आपको बताएंगे। फिर इसके बाद है फिर एमरी कागज, ब्लैक कलर के जो है इस तरीके का कागज दिए गए हैं सामान उपयोग के लिए, कोई भी चीज इसमें रख के मिक्स कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद है जी क्लैंप। जी क्लैंप कुछ इस तरीके से होता है, जी के आकार का, जैसे इसकी शक्ल देख रहे हैं जी के आकार की है, तो ये जी क्लैंप है। स्टैंड को इसमें किसी मेज में फंसाने के लिए चाहो तो यहाँ फंसा सकते हो, इससे फंस सकते हैं, तो ये उसी में इस्तेमाल में लाया जाता है। फिर इसके बाद है लेंस एवं गोलाकार दर्पणों का स्टैंड, और लेंस एवं गोलाकार दर्पणों का स्टैंड यहाँ पर है, यहाँ पर बीच में लेंस रख दिया जाता है और हम पारदर्शी किरणों को जो है देख लेते हैं कि वो अवतल दर्पण पे कैसा व्यवहार करती हैं, उत्तल दर्पण पे कैसा करती हैं, या फिर इसमें हम लेंस रख दें तो लेंस आर पार जाने देता है किरणों को, तो उससे हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस की कैसा क्रिया करता है जो है प्रकाश के साथ में, वो हम जान सकते हैं कि कब वो प्रकाश को समेटता है, कब वो प्रकाश को फैलाता है। फिर इसके बाद है पतली रबर सीट। रबर की यहां पर एक सीट दी गई है पतली सी, ये ब्लैक कलर की है, ये रबर की है। इस पे हम कोई चीज, कोई केमिकल मिक्स करना चाहें तो रख के, और जो हमारा चम्मच दिया गया है स्पैचुला यहाँ पे, ये इससे हम उसको मिक्स कर सकते हैं, केमिकल को मिक्स कर सकते हैं और इससे उठा सकते हैं। एक तरफ इसमें गहरा वाला है, इससे केमिकल उठाया जाता है, और दूसरी तरफ ये चपटा वाला है, इससे केमिकल को मिलाया जाता है। फिर इसके बाद है नाइफ या चाकू। तो 21 ही थे जो कि सामान्य वस्तुएं थे श्रेणी बा में। इसके बाद जो है साधन उपकरण है, और साधन उपकरण की जो संख्या दी गई है वो लगभग है 7-9 है ये, और आपको हम बारी बारी से बता देंगे।